जय हिंद दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए और हमारे देश के लिए और जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35 ए को समाप्त कर दिया गया है और ये बहुत आवश्यक था, बहुत जरूरी था हमारे देश के लिए और हमारे देश के युवाओं के लिए और खास करके जम्मू एंड कश्मीर के लिए बहुत ही जरूरी विषय था और सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम धारा 370 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीज हम अब कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर का जो संविधान था वो बिल्कुल अलग था। अब वहां से उस संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा और अब वहां पर भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया जाएगा। तो ये बहुत खुशी का टाइम है, बहुत खुशी का दिन है हम सबके लिए। साथ ही साथ वहां पे जो जम्मू एंड कश्मीर है वहां पे अलग झंडा होता था यानी कि फ्लैग बिल्कुल अलग था और अब वहां पे वो फ्लैग भी हटा दिया जाएगा तो हमारे देश का जो तिरंगा झंडा है वो अब वहां पर भी लागू होगा। पहले भी लागू था लेकिन वहां पे जो झंडा था उसका जम्मू एंड कश्मीर का अलग था और भारतीय झंडा अलग था, दोनों अलग अलग थे लेकिन वहां के अब झंडे को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि भारत का कोई भी नागरिक अगर अदर किसी स्टेट का है जम्मू एंड कश्मीर से तो वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देश का कोई भी नागरिक कहीं का भी वहां जाकर के जमीन खरीद सकता है और वहां रह सकता है। ठीक है, और दूसरी बात यह थी कि जम्मू एंड कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता थी जबकि किसी और स्टेट में ऐसा नहीं है। कहने का मतलब अगर जम्मू एंड कश्मीर का नागरिक अगर दिल्ली आकर के रहता है या किसी और राज्य में आकर के रहता है तो उसे दोहरी नागरिकता यानी कि वो जम्मू एंड कश्मीर का भी रहने वाला माना जाता था और हमारे दूसरे स्टेट का भी उसको सिटीजनशिप मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे सेम अलग अलग राज्यों में ये चीजें लागू हैं वो सेम जम्मू एंड कश्मीर में लागू होगी। और उसके बाद जैसा कि बहुत सी बातें ऐसी थी जैसे अगर कोई भी महिला जो जम्मू कश्मीर की है वो किसी अदर स्टेट के किसी से भी शादी करना चाहे तो उसकी नागरिकता जम्मू एंड कश्मीर से खत्म हो जाती थी। और अगर ऐसा पाकिस्तान के साथ होता है, मान लो अगर कोई भी महिला पाकिस्तान के किसी लड़के से शादी करती है तो उसकी जो नागरिकता थी जम्मू एंड कश्मीर की वो भी नहीं हटती थी और साथ ही साथ उसे पाकिस्तान की नागरिकता भी मिल जाती थी। तो ऐसा बहुत सी चीजें ऐसी थी जो इलीगल तरीके से चल रही थी, इसीलिए सरकार ने एक बेहतर कदम उठाया है। अब आपको न्यू बिल यानी कि नया बिल जल्दी लागू किया जाएगा, बहुत ही जल्द, क्योंकि इतनी चीजें हो गई तो अब बिल लागू होने में भी समय नहीं लगेगा और आई एम श्योर कि बहुत जल्दी ये चीजें होंगी जिसमें आपको दो यूनियन टेरिटरी यानी कि दो संघ शासित प्रदेश नए बन चुके हैं। अब कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, दोनों आपके अलग अलग स्टेट। जो अभी तक हमारे पास कितने स्टेट थे? 7, अब 9 होंगे। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी कितनी होंगी? अब 9। जल्दी ही बिल लागू हो जाएगा। अब हम बिल की बात करें तो बिल को अमित शाह द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। बिल का नाम है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। इस बिल को जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा और बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत अलग अलग चीजें होंगी। अब ऐसा नहीं होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में जैसे बहुत सी चीजें थी, वहां पे पुलिस होती थी अलग जिसके जिसपे ऑर्डर करती थी वहां की गवर्नमेंट, कहां की? जम्मू एंड कश्मीर की। लेकिन अब केंद्र से सारी चीजें होंगी, केंद्र सरकार के अंडर में होगा पूरा जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए और हम सबको उसकी सेलिब्रेशन करना चाहिए और हमको कांग्रेचुलेशन कहना चाहिए सरकार को। तो मैं देश की सरकार से बस यही आग्रह करना चाहूंगा कि देश के युवाओं के लिए भी थोड़ा सा सोचे। वैसे तो बहुत ही अच्छे अच्छे काम कर रही है सरकार और कोई दोहराया नहीं है इस चीज में। मैं किसी सरकार का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा है, जो गलत है वो गलत है, वो आप सभी भी जानते हैं। इस चीज को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बस फाइनल यही था कि धारा 370 को हटा दिया गया है, बस इतनी सी बात आपको बतानी थी। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।